अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 25 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और पिछले लेक्चर में हमने डेटा कलेक्शन प्रोसेस और रिजॉल्विंग द नॉन रिस्पॉन्स रेट इश्यूज जो है ये टॉपिक स्टार्ट किया था। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इसी तरह सुपरवाइज़र ने जो सैम्पलिंग कंट्रोल है उसको भी मेक श्योर करना है। तो सबसे पहले तो उसको जो सैम्पलिंग प्लान है उसका पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स उसके पास होनी चाहिए। उसको जो डेली रिकॉर्ड्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, जैसे नंबर ऑफ कॉल्स मेड, आपने रिस्पॉन्डेंट्स को, आपकी टीम ने रिस्पॉन्डेंट्स को जो है वो कॉल्स की, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर ऑफ नॉट एट होम्स, बाज़ दफ़ा जब डेटा कलेक्शन के लिए आप गए तो रिस्पॉन्डेंट घर पे नहीं मिला, उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। नंबर ऑफ रिफ्यूज़ल्स, अगर रिस्पॉन्डेंट ने जवाब देने से, डेटा प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया है, उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और जो इंटरव्यूज़ आपने मुकम्मल किए सक्सेसफुली उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ताकि आप अपने जो सैम्पलिंग है उसको साथ साथ लेके चलें। फिर कंट्रोल ऑफ चीटिंग है, बाज़ दफ़ा जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चंस को फालसीफाई कर देते हैं, वो उसमें कुछ एडिटिंग कर देते हैं या वो फेक आंसर्स जो है वो दे देते हैं काम से बचने के लिए। तो सुपरवाइज़र को इस चीज़ को भी चेक करना होता है, और इसकी चेकिंग के लिए वो वैलिडेशन ऑफ फील्ड वर्क जो है वो कर सकते हैं। ये आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। फिर सेंट्रल ऑफिस कंट्रोल को भी मेक श्योर करना है। सुपरवाइज़र जो है वो क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल की इंफॉर्मेशन और इसके साथ जो दूसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं ये सेंट्रल ऑफिस को भी देते हैं। सेंट्रल ऑफिस से मुराद है कि जो एक्चुअली आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो करवा रहा है। आप तो फील्ड में मौजूद हैं लेकिन आपको जो अपना हेड ऑफिस है वहाँ पर भी इसकी रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं। डेटा कलेक्शन प्रोसेस का जो चौथा स्टेप है उसे हम वैलिडेशन ऑफ फील्ड वर्क कहते हैं। और वैलिडेशन से मुराद ये है कि फील्ड वर्कर्स ने जो काम आपको सबमिट किया है, यानी इंटरव्यूज और इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है, आपने उसे वेरीफाई करना है कि क्या वाकई ही ये काम उन्होंने किया है और जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने वाकई ये जवाब दिए हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि आप जो इंटरव्यूअर्स हैं उनसे कहें कि आप रिस्पॉन्डेंट्स के नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स जो हैं वो भी इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड करें, और जब ऐसा हो जाए तो आप रैंडमली उसमें से 10-20% जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे इंक्वायर कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वाकई जो फील्ड वर्कर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए और उन्होंने जो जो रिस्पॉन्सेज दिए थे क्या वो वाकई ये वाले रिस्पॉन्सेज हैं। तो इस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से सुपरवाइजर्स जो हैं वो क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू के बारे में पूछ सकते हैं कि किस तरीके का इंटरव्यू था, कितने ज़्यादा रिलैक्स मैनर में जो है वो इंटरव्यू किया गया, क्या इंटरव्यू में कोई लीडिंग या लोडेड क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए, क्या उसमें कोई बायस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो तो नहीं पूछे गए, और जो इंटरव्यूअर था उसका बिहेवियर किस तरीके का था, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। कुछ डेमोग्राफिक डेटा के बारे में आप पूछ सकते हैं, और ये जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको इंटरव्यूअर ने दी और वो इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट आपने रिस्पॉन्डेंट से पूछी, अगर वो आपस में कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जो भी काम किया गया वो वैलिडेटेड है। डेटा कलेक्शन प्रोसेस का जो फिफ्थ स्टेप है वो एवेल्युएशन ऑफ फील्ड वर्कर्स है। देखें, ये जो क्राइटेरिया है एवेल्युएशन का, वो एक तो फील्ड वर्कर्स को पहले से कम्युनिकेट कर देना चाहिए ताकि वो उसके मुताबिक ही काम करें, और फिर उसकी जो ट्रेनिंग है उनकी वो भी इसी को कंसिडर करते हुए होनी चाहिए। बहरहाल, ये जो एवेल्युएशन का क्राइटेरिया है ये कई चीज़ों पे बेस करता है। उस पे से एक तो कॉस्ट एंड टाइम है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो इंटरव्यूअर्स ने इंटरव्यूज़ किए हैं उसकी कॉस्ट पर कंप्लीटेड इंटरव्यू जो है वो कैसी है, और इसके साथ आपने दूसरी किसी कंडीशन में या दूसरी किसी स्टडी में इसी तरह के इंटरव्यूज़ किए गए तो वहाँ पे कॉस्ट क्या थी, तो कॉस्ट का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि जो फील्ड वर्कर्स हैं वो अपना टाइम किस तरीके से स्पेंड करते हैं। आम तौर पे जो टाइम है उसको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे इंटरव्यूइंग का टाइम है या ट्रैवलिंग का टाइम है
या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टाइम है, तो टाइम के हिसाब से आप चेक करते रहते हैं कि कौन सा इंटरव्यू कितना ज़्यादा टाइम एफिशिएंट है। एक और क्राइटेरिया जो है परफॉर्मेंस के एवेल्यूएशन का, वो है रिस्पांस रेट। आमतौर पे रिस्पांस रेट जितना अच्छा होगा उतना ही जो इंटरव्यूअर है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर ये बहुत कम हो तो आपको देखना चाहिए बीइंग अ सुपरवाइज़र कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आप सबसे पहले तो उस इंटरव्यूअर का जो इंट्रोडक्शन है वो सुने, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल होता है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो इंट्रोडक्शन है ये स्टार्ट है इंटरव्यूअर का, यहाँ से हमें अगर ये अच्छा है तो कोऑपरेशन भी मिल सकता है रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ से, और अगर ये पुअर है तो हो सकता है कि रिस्पॉन्डेंट हमें जवाब देने से इनकार कर दें। तो जो इंटरव्यूअर है उससे सुपरवाइज़र को उसका इंट्रोडक्शन सुनना चाहिए, उसका तरीकाकार जो है वो देखना चाहिए, और उसके साथ साथ जो क्विक एक फीडबैक है इम्प्रूवमेंट के लिए वो देना चाहिए। फिर हमें जो मुख्तलिफ इंटरव्यूअर्स हैं उनके रिस्पांस रेट्स को भी आपस में कंपेयर करना चाहिए ताकि पता चले कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ क्वालिटी ऑफ इंटरव्यूइंग। तो इसमें एक तो हम देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है वो कितना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जितना ज़्यादा अच्छा होगा अप्रोप्रिएट होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा है। फिर हम देखेंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कितने ज़्यादा प्रिसाइज्ड हैं और कितने प्रिसाइज वे में पूछे गए हैं, जो प्रॉबिंग की टेक्निक यूज़ की गई है वो कितनी बेहतर की गई है, क्या वो अनबायस्ड वे में यूज़ की गई है। इसी तरह जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सेंसिटिव क्वेश्चंस कहते हैं और इन्हें बड़े अच्छे और मुहतात अंदाज में पूछना पड़ता है, तो हमने ये देखना है, जज करना है कि इंटरव्यूअर किस हद तक एबिलिटी रखता है कि वो सेंसिटिव क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पूछ सके। फिर कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो उसने यूज़ की हैं, और उसका जो इंटरव्यू को कंडक्ट करने का तरीकाकार था वो किस तरीके से था, वो कितना अच्छा था, उसकी क्वालिटी क्या थी, ये सारी चीज़ें भी हम नोट करते हैं। फिर एक क्राइटेरिया जो है वो क्वालिटी ऑफ डेटा है। पहली बात तो ये कि जो डेटा रिकॉर्ड किए गए हैं वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी क्वेश्चनियर में और ट्रेनिंग के दौरान उन सबको फॉलो किया जाना चाहिए। जो आंसर्स हैं उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्डेड होना चाहिए, और इसी तरह जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दे रहे हों। और जो नॉन रिस्पॉन्स आइटम्स हैं यानी ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं दिए गए वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इनफ्रीक्वेंट होने चाहिए ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसमें किसी किस्म का गैप ना आ सके। सैम्पलिंग में एक इशू आमतौर पे आ जाता है नॉन रिस्पॉन्स रेट इशू, और इससे मुराद ये होती है कि जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, या जो जो हमने सैम्पल एक डिज़ाइन किया था उस सैम्पल के मुताबिक हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें घर पे नहीं मिले, बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिए, बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चनेयर है उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया, कई रीजंस इसकी हो सकती हैं। अब इसकी वजह से एक नॉन रिस्पॉन्स एरर जो है वो अराइज हो जाता है, और हमें इसको देखना होता है, इसे टैकल करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक सैम्पल जो है सैम्पल साइज़ वो रखा था 500 का, और उस सैम्पल साइज़ में मेल्स भी थे और फीमेल्स भी थी। अब जो मेल्स हैं उसमें तो ज़्यादातर ने जवाब दे दिए, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनमें से बहुत कम रिस्पॉन्स हमारे पास आया है। तो इसकी वजह से अब दो ग्रुप्स बन गए हमारे सैम्पल में, एक वो जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं और दूसरे वो जो नॉन रिस्पॉन्डेंट्स हैं। अगर तो रिस्पॉन्डेंट्स और नॉन रिस्पॉन्डेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। अगर आपका एक सैम्पल जो है वो 300 का सैम्पल है और उसमें सिर्फ मेल्स हैं, जेंडर की करेक्टरिस्टिक यानी कॉमन है, उसमें से अगर कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं भी देंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स रेट है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं बनेगा।
बिकॉज के जिन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया उनकी जगह हम दूसरे मेल्स जो हैं उनको ला सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मेल्स और फीमेल्स दो तरह के लोग थे, मेल्स की तरफ से तो रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा आया, फीमेल्स की तरफ से बहुत कम आया। अब यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है, जो नॉन रिस्पॉन्डेंट्स का एरर है, वो अराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से बायसनेस क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एक तरह के ग्रुप ने हमें रिस्पॉन्ड कर दिया, दूसरी तरह के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, अब यूजली ये होता है कि अगर रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा हो तो जो नॉन रिस्पॉन्डेंट एरर है वो नहीं होता, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जिन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया उनकी जगह पे हम नए रिस्पॉन्डेंट्स को शामिल कर लेते हैं अपने सैंपल में। अगर तो ये नए रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो पहले वाले रिस्पॉन्डेंट्स से डिफरेंट हैं और नॉन रिस्पॉन्डेंट्स के साथ मैच करते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इसके अपोजिट है, हमने जो एडिशनल रिस्पॉन्डेंट्स को शामिल किया वो प्रीवियस रिस्पॉन्डेंट से डिफरेंट हैं और जो नॉन रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनके साथ वो मैच करते हैं, तो फिर बायसनेस कम कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल्स और फीमेल्स दोनों तरह के लोग पॉपुलेशन में, सॉरी सैंपल में शामिल थे। मेल्स की तरफ से रिस्पॉन्सेज ज़्यादा आए, फीमेल्स की तरफ से बहुत कम आए, तो हमने फीमेल्स की उस तादाद को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सेज की कुछ और फीमेल्स जो हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। तो अब वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी वजह से बायसनेस बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि हमने फीमेल्स को रिप्लेस किया फीमेल्स के साथ। अगर हम कुछ एडिशनल मेंबर्स में मेल्स को ही शामिल कर लेते तो बायसनेस और ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि जो मेल्स हैं वो फीमेल्स की जगह पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो डिफरेंस पहले से भी ज़्यादा हो जाता। इसीलिए हमें बड़ा इसमें विजिलेंट रहना पड़ता है, बड़ा एक्टिवली इसे देखना पड़ेगा। लास्ट स्लाइड में जो भी मैंने डिटेल्स बताई वो आप यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। जो लेफ्ट साइड पे है ये हमारा सैंपल है जिसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। जो मेल्स हैं उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, वो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, और जो फीमेल्स हैं वो नॉन रिस्पॉन्डेंट्स हैं। अब इन नॉन रिस्पॉन्डेंट्स को हमने रिप्लेस करना है विद एडिशनल रिस्पॉन्सेस, सॉरी एडिशनल रिस्पॉन्डेंट्स, ताकि हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो मुकम्मल हो सके। अब ये जो एडिशनल रिस्पॉन्डेंट्स हैं, अगर तो ये मेल्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम फीमेल्स को रिप्लेस कर रहे हैं मेल्स के साथ, तो फिर हमारा जो नॉन रिस्पॉन्स बायसनेस एरर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्डेंट्स और नॉन रिस्पॉन्डेंट्स में जेंडर करेक्टरिस्टिक का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम इसे फीमेल्स के साथ ही रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर हमारा जो नॉन रिस्पॉन्स बायसनेस एरर है वो कम हो जाएगा, बिकॉज के जो रिस्पॉन्डेंट्स और नॉन रिस्पॉन्डेंट्स के दरमियान जेंडर का करेक्टरिस्टिक है, हम उसको उस पर वर्क कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि हम रिस्पॉन्स रेट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसका एक तो तरीका ये है कि हम जो रिफ्यूज़ल्स हैं उनको कम कर दें, और दूसरी साइड पे जो नॉट एट होम्स की रीज़न है उसको भी कम कर दें। नॉट एट होम्स को कम करने के लिए तो हम कॉल बैक कर सकते हैं, दोबारा से रابطہ कर सकते हैं रिस्पॉन्डेंट्स के साथ। और जो रिफ्यूज़ल्स हैं उनको कम करने के बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे प्रायर नोटिफिकेशन है, इंसेंटिव्स हैं, क्वेश्चनेयर डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद फॉलोअप है, और अदर फैसिलिटेटर्स हैं। इनको हम अगली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो रिफ्यूज़ल्स का मतलब समझ लें। ये रिस्पॉन्डेंट्स की जो अनविलिंगनेस है या इनएबिलिटी है उसकी वजह से होता है कि वो जवाब देने से, इंटरव्यू देने से इनकार कर देते हैं, जो क्वेश्चनेयर हैं उनको फिल करने से इनकार कर देते हैं, और इसकी वजह से जो आपका रिस्पॉन्स रेट है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से नॉन रिस्पॉन्स बायस जो है वो आ सकती है, ये एक एरर जो है वो बन सकता है। आमतौर पे जो सर्वेज हम करते हैं मेल्स के ज़रिए और टेलीफोन के ज़रिए, दोनों में भी आपको एक मेजर डिफरेंस नज़र आएगा रिफ्यूज़ल्स में। जो मेल सर्वेज हैं, चूंकि उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता या कम होता है, तो वहाँ पे जो रिफ्यूज़ल्स हैं उसका रेट भी ज़्यादा होता है। जबकि जो टेलीफोनिक सर्वे है, चूंकि इसमें आपका
रेस्पोंडेंट के साथ जो एक लिंक है या आपका जो एक कनेक्शन है वो डायरेक्ट होता है या एक्टिव होता है, तो यहाँ पे रिलेटिवली जो रिफ्यूज़ल्स का रेट है वो भी कम होगा। और ये जो रिफ्यूज़ल्स हैं वो यूजुअली इंट्रोडक्टरी लेवल ऑफ सर्वे पे होते हैं, यानी जब आप उस सर्वे के बारे में इब्तदाई बात करते हैं, आप उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, तो यही वो टाइम होता है जब रिस्पोंडेंट उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। एक दफ़ा अगर वो अच्छे तरीके से शुरू हो जाए तो फिर चांसेस होते हैं कि वो इंटरव्यू या सर्वे मुकम्मल होगा।